मध्य प्रदेश महिला स्व सहायता समूह महासंघ के आह्वान पर खरगोन जिले में भी 21 फरवरी से 23 फरवरी 2023 तक माध्यान्ह भोजन सांझा चूल्हा बंद रहेगा। आज प्रसिद्ध देवी श्री लाल भाई फूलभाई माताजी मंदिर से तहसील कार्यालय तक रैली निकालकर मुख्यमंत्री के नाम तहसील कार्यालय में लेखापाल जितेंद्र ठाकरे को ज्ञापन सौंपा। रैली में महिलाओं द्वारा यह नारा भी जोर जोर से लगाया गया कि 2000 में दम नहीं, 6000 से कम नहीं। समूह की महिलाओं ने बताया कि प्रदेश के अधिकतर जिलों में CDPO के माध्यम से 20-30% कमीशन भोजन नाश्ते के भुगतान करने पर लिया जाता है, जिससे बच्चों को भोजन नाश्ते की क्वालिटी ठीक नहीं मिल रही है और कुपोषण घटने की बजाय बढ़ता जा रहा है। जिलों में ठेके पर महिला स्व सहायता समूह के नाम पर भोजन प्रदाय किया जा रहा है और बताया कि 100 ग्राम गेहूं 20 ग्राम चावल में भर पेट भोजन खिलाने और 5.45 रुपए में 2 सब्जियां बनाने के साथ साथ अचार पापड़ भी थाली में परोसने के दबाव से तंग आ चुकी स्व सहायता समूह से जुड़ी महिलाएं व रसोईया बहनें अब आंदोलन की राह पर निकल पड़ी हैं। सेगांव से संजय जायसवाल की रिपोर्ट। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।